हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। ट्रेन रिवर्सल का पार्ट थ्री वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रेन रिवर्सल कैसे एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न में होता है, वो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए। जितने लोग पार्ट वन पार्ट टू वीडियो नहीं देखे उनको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने के बाद जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन में दोनों पार्ट का लिंक मैं दे दूंगा, सो दैट आप जाके उसको पहले देखो फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना, तो आपको ईजी रहेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं एम और डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से आप किस तरीके से इंट्राडे के अंदर काम कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ा एडवांस होने वाला है क्योंकि हम लोग इंट्राडे में प्राइस कैसे चेंजेस होता है, टाइम फ्रेम क्या होगा, कौन से कंडीशन में एम और डब्ल्यू पैटर्न आपको देखना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मैं आपको चार्ट्स में जाके बताऊंगा कहाँ पे आपको ट्रेड ले सकते हैं और प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करते हैं। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसा होता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब पहले मार्केट में एक ट्रेंड था, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। तो हम लोगों को अगर समय अराउंड ये लेवल पे ट्रेड मिल जाएगा, अगर ये इंट्राडे का चार्ट होगा यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा तो मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। तो ये रिवर्स क्यों होता है? हो सकता है जो ये ट्रेंड चल रहा था ओवर वैल्यूड हो गया है, या फिर यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से रिवर्स हो रहा है तो स्ट्रांग सपोर्ट हो सकता है। तो ये सारे सिनेरियो के कारण मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर कोई न्यूज मार्केट के अंदर हिट किया रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट के अंदर न्यूज हिट कर रहा है तो हम लोग उसके लिए कोई सेटअप बना नहीं सकते क्योंकि न्यूज कब आएगा मार्केट में हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ या फिर कोई रेजिस्टेंस पे पहुंचा तब सेल करना है, तो ये पॉइंट पे हम लोग काम कर सकते हैं। आई होप इतना पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट में भी हो सकता है, डेली में भी हो सकता है, आवर्ली बेसिस में भी हो सकता है, कंसीडर किसको करें। तो ये सेटअप के लिए आप कंसीडर करोगे डेली एंड आवर्ली टाइम फ्रेम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट लाइन भी बना चुका हूँ। सिंपल सा चीज़ है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है करेक्ट, जहाँ से ये यू टर्न ले रहा है वो आपका रेजिस्टेंस बन गया। ये प्राइस से अगर नीचे की तरफ देखेंगे जहां से यू टर्न लिया होगा वो बन गया सपोर्ट। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर चार्ट्स में लेके एग्जांपल दूं, करेंट मार्केट में सपोर्ट कहां पे है, जहां से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे जहां पे मार्केट यू टर्न लिया है ये पॉइंट आपका बन गया सपोर्ट। इसके पीछे अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो जहां पे यू टर्न बना होगा होगा रेजिस्टेंस। अगर डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस ये पॉइंट पे आपको दिख रहा है, मार्केट अभी परफेक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट में, कैसे ट्रेड करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मंडे के दिन आपको ट्रेड मिल जाए। तो यहां पे जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ उसके ऊपर यू टर्न जहां से ले रहा है वो रेजिस्टेंस, उसके नीचे जहां से मार्केट यू टर्न लिया है वो सपोर्ट। आप इन डिटेल्स में अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। पहला पॉइंट है 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डेली चार्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और गैप्स में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गैप्स मार्केट हम लोग को निकाल के देगा तो इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना नहीं है। मार्केट में जब गैप्स क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा, और मार्केट में जब भी गैप्स क्रिएट होता है इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम लोग बार बार देख चुके हैं। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे 60 मिनट चार्ट और डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आपको करना क्या है, वीक जब स्टार्ट होता है जैसे अभी सैटरडे संडे चल रहा है, तो मंडे के लिए आप पहले से जहां पे करंट मार्केट प्राइस से आपको स्विंग दिख रहा है मार्केट वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ये इजी हो जाएगा आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 60 मिनट चार्ट में जाना है और लास्ट 5 डेज में जहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा होगा वहां पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। 5 डेज क्यों, 60 मिनट चार्ट में 5 डेज ही क्यों, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक का डाटा ले रहे हैं। डेली चार्ट में आपको ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका है, हो सकता है डेली चार्ट में आपको 500,000 पॉइंट दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले। मार्केट अगर इसी के अंदर कहीं पे चल रहा होगा तो इन बिटवीन आपको आवाली चार्ट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा अगर आवाली चार्ट में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 5 डेज का ही डाटा लेंगे, लास्ट वीक का डाटा लेंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए काम करता है क्योंकि लोगों को पता है लास्ट 3 दिन के अंदर ये प्राइस से प्राइस रिजेक्शन हुआ था। प्राइस जब अगेन ये पॉइंट पे जाता है तो लोग यहां से फिर से सेल करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम रह जाता है। इसके लिए हम लोग लास्ट 5 डेज का डाटा लेंगे, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो 4-5 दिन 100% लोगों को याद होगा ये पॉइंट से मार्केट टर्न अराउंड हुआ था। तो इसी के लिए लास्ट 5 डेज का डाटा और डेली चार्ट में हम लोग देख लेंगे कि नहीं कहां पे एक्चुअल बिगर पिक्चर में सपोर्ट रेजिस्टेंस है।
इतना आपको करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, और गैप्स, गैप तो मार्केट क्रिएट करेगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी 60 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो चुके होंगे, डेली टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ हो चुका होगा। इंट्राडे में क्या करेंगे, जनरली हम लोग 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं, तो मार्केट को ही डिसाइड करने दो, मार्केट गया है रेजिस्टेंस पॉइंट पे, हिट किया, फिर यहाँ से आके अगर एम पैटर्न बना रहा है तो हम लोगों को सेल करना है। अगर कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है डेली का हो गया, या फिर 60 मिनट चार्ट में कहीं पे सपोर्ट हो गया, मार्केट आके हिट किया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, डब्ल्यू पैटर्न की तरह प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ पे आपने बाई कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। गैप्स में भी सिमिलर तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ तो ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डेली चार्ट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम लोग 60 मिनट में भी देखेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट जब ये पॉइंट पे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ से आया, ये यू टर्न बन गया मार्केट का, ये एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पे अगर देखेंगे ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बना है, मार्केट जब रिटर्न आया ये पॉइंट पे भी बना है, फिर जब ये नेक्स्ट टाइम आया ये पॉइंट पे भी बना है, मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट हिट किया, फिर नेक्स्ट टाइम अगर ये आएगा तो होगा क्या, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट पे आपको पता है ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग था, ये ट्रेंड था, सेलिंग के लिए प्रेशर था, उसके बाद मार्केट टर्न अराउंड हुआ होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, तो अभी आपको ईजी हो गया। फर्स्ट टाइम आया आप बहुत अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, सेकंड टाइम आया हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, या फिर वेट करेंगे कब ये ब्रेकडाउन हो गया। हम लोग अगर आगे चार्ट देखेंगे तो ये लेवल जो था ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली आके सपोर्ट में हिट कर रहा था। फिर अगर डेली चार्ट में हम लोग प्रीवियस देखेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, ये एरिया 22,000 से लेकर 22,500 ये रेंज के अंदर कहीं पे हमारा फिर से सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था वो कंटिन्यूसली हिट करके ब्रेक कर गया, फिर मार्केट कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पे। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, फिर मार्केट ने किया कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा कैंडल बना था, और एक पॉइंट में आपको बताऊँ यहाँ पे गैप भी क्रिएट हुआ था, फिर आपको ट्रेड भी मिला था। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट, तो आपको इजी रहेगा कहाँ पे ट्रेड मिला था आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं, हमको पता है ये पॉइंट एक सपोर्ट एरिया है डेली चार्ट में, पहले से हम लोग ड्रॉ करके रख चुके हैं, और उस दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, ये आपको पता है। मार्केट खुला, फिर हम लोग प्राइस एक्शन देखे, जब भी मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलता है हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं। ये खुला, नीचे गया, फिर यहां पे नीचे आया, ये कौन से एरिया में पहुंच गया, ये सपोर्ट एरिया में पहुंच गया। हम लोगों को अभी क्या ढूंढना है, मार्केट को ही डिसाइड करने दो, अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ही हम लोग इंटरेस्टेड है, अगर ये कंटिन्यू चला जाता है जाने दो इसको, क्योंकि सपोर्ट कैन ब्रेक, रेजिस्टेंस कैन ब्रेक, लेकिन अगर कुछ साइन दिखाता है मार्केट में तो हम लोगों को उसको ट्रेड करना चाहिए। सेम अगर यहां पे देखेंगे ये पॉइंट पे मार्केट ने आपको साइन दिया कि नहीं ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर आप यहां पे ट्रेड लोगे आने वाले टाइम में, अगर हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। स्टॉप लॉस जनरली क्या होना चाहिए मैं आपको चलिए बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जितना रिस्क कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी साइज प्लान करोगे, या फिर अगर जनरली अगर देखेंगे मैं जनरली ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखता हूं, मैं पूरा लो पे नहीं रखता हूं क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ये अगर जो सेकंड नीचे आता है रिट्रेस होकर फिर ऊपर जाता है जनरली प्राइस एक्शन में, ये जो फ्रेश लो बनाया है वो ब्रेक करता नहीं है, अगर इसको अपट्रेंड जाना है ये लो ब्रेक नहीं करता, तो मुझे ये लो के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, मुझे थोड़ा ऊपर रखना है, तो सर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे आपको इंट्राडे में दे दिया, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा था, डेली चार्ट में सपोर्ट था, डेली चार्ट में सपोर्ट था। टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन का कौन से टाइम फ्रेम में हुआ, 5 मिनट में हुआ, इसको आप पोजीशन में भी लेके जा सकते हो अगर ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ, क्यों, ये डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल हुआ है और आप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको कैप्चर किए हो, तो एक बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, और एक बार वीडियो देखो, चीज़ों को समझो, फिर जाके आप बैक टेस्ट करो तो बहुत सारे पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 60 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहां से अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 60 मिनट टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करना है, लास्ट 5 डेज का डाटा देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 का डाटा देंगे, इसके हिसाब से यहां पे एक सपोर्ट है, करेक्ट, ये पॉइंट पे एक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट अभी बहुत दूर है। अगर प्रीवियस डाटा देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे समवेयर अराउंड यहां पे आपको यू टर्न मिला, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट जाके रेजिस्टेंस पॉइंट में हिट किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप उसको ट्रेड करोगे। यहां पे अगर और प्रीवियस देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग देखिए, यहां से मार्केट डाउनफॉल हुआ, मार्केट टच किया, प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको ट्रेड मिल सकता है, प्राइस एक्शन इन द सेंस एम एंड डब्ल्यू पैटर्न अगर देखेंगे, जस्ट इमेजिन मार्केट यहां से डाउनफॉल हुआ,
करेक्ट, ये पॉइंट से डाउनफॉल हुआ। जब ये जाके रिटेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे आपको ढूंढना क्या है, ये ऊपर जा रहा है ट्रेंड बन के, ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। हम लोग ऑलरेडी लास्ट 5 डे देखिए, लास्ट 5 डेज का डाटा कितना काम करता है। यहां से मार्केट नीचे क्यों गया है, 1-2-3 दिन पहले यहां से गिरावट आई थी, ये सारी चीजें ध्यान में रखो। लेकिन अभी करंट लेवल पे बहुत अच्छा सिनारियो आपको मिलने वाला है, क्योंकि डेली चार्ट में आपके पास ये 100% एक रेजिस्टेंस होगा, ये पॉइंट आपके पास होगा। भले आपको 60 मिनट में रेजिस्टेंस ना मिले, 60 मिनट में आपको सपोर्ट मिले, लेकिन डेली चार्ट में आपके पास रेजिस्टेंस है। तो मंडे को करना क्या है, जस्ट वेट फॉर एम पैटर्न। एम पैटर्न जब आपको दिखेगा, यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर करंट सिनेरियो में हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, फिर अब बाकी सारे स्टॉक हो गया या फिर इंडेक्सेस के ऊपर आप देख सकते हो। जनरली ये सारे चीज़ें काम करता है टॉप लिक्विड स्टॉक में, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्टॉक में फंस जाऊंगा जहां पे वो मोमेंटम ही नहीं करता, तो फिर इंट्राडे करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग को एक मोमेंटम चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए, वो जनरली होता है टॉप 15 लिक्विड स्टॉक में। TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे स्टॉक में, HDFC बैंक, ये सारे 10-15 स्टॉक अगर हम लोग निकाल लेंगे जो कि मार्केट में मोमेंटम करते रहते हैं, और इंडेक्सेस मोमेंटम 100% करेगा ऊपर नीचे। तो अभी अगर हम देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया में है, हमको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बस वेट करना है। जहां पे नेगेटिव सिनेरियो इन द सेंस, लेट्स से पहला कैंडल 5 मिनट में नेगेटिव बनाया, फिर ये ग्रीन कलर बना के ऊपर गया, फिर ये जब ब्रेक करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एम पैटर्न देखने मिल जाएगा प्राइस एक्शन में, तब आपको एंट्री करना है। अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है, तो हम लोग को 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर ये ऊपर जा सकता है या कंटिन्यू हो सकता है। देखिए हम लोग वैसे भी नॉर्मली गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो बार बार मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन के लिए वेट करो, हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो आपको कौन सा सिनेरियो मिलेगा, ये क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट जब ऊपर जाएगा ये क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज ए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एम पैटर्न आपको दिखा रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, बस प्राइस को समझने का कोशिश करो, हर एक जगह आपको ट्रेड मिल सकता है। यहां पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, डेली चार्ट में एक सपोर्ट था, फिर 5 मिनट चार्ट में आपको एक डब्लू पैटर्न बनाया, ये रिकवर हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। अभी डेली चार्ट में यहां पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहां पे आपको एम साइन अगर दिखा, एम पैटर्न अगर दिखा 5 मिनट चार्ट में, आप सेल कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस विल बी वेरी लेस। और जितने लोग यहां से बाय कर रहे होंगे, ये लो से लेकर यहां तक बाय करके रखे होंगे या फिर ये रैली में कंसिडर किए होंगे, यहां से 100-200 पॉइंट भी अगर फॉल होता है तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि हम 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ये समझने का कोशिश करो प्राइस किस तरीके से काम करता है, तो अब बाकी सारे चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी। बस आपको मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को समराइज कर लेते हैं। आप लोग डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लोगे वीकेंड में, फिर उसके बाद लास्ट 5 डेज का 60 मिनट टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर डेली आप जैसे रेगुलर ट्रेडिंग में जाते हो 5 मिनट चार्ट्स में आपको वेट करना है। जब ये सपोर्ट, इधर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आएगा मार्केट, वहां पे आपको W या M पैटर्न जब दिख जाएगा तब आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट क्या होगा, जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उसका डबल टाइम आपका टारगेट होगी हो जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे गैप्स के ऊपर और नॉर्मल जो 60 मिनट एंड डेली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस जब करते हैं सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं, सपोर्ट कहां पे, रेजिस्टेंस कहां पे, ये सारे पॉइंट आपको तब इजी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।